खबर बद्रीनाथ से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्शन के लिए बाद रात्रि विश्राम किया। शुक्रवार को बद्री विशाल के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री ने मानागांव के पास रात्रि विश्राम किया। पीएम 11,300 फीट की ऊंचाई पर बॉर्डर रोड के बनाए घर में रुके। उन्होंने जिस कमरे में रात्रि विश्राम किया वो सिर्फ 12 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा है। तो बीआरओ के बने घर में प्रधानमंत्री ने रात्रि विश्राम किया और सामने आई पीएम के रात्रि विश्राम की जगह की तस्वीर। तो वो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, जहां बद्रीनाथ में मानागांव, वहीं प्रधानमंत्री ने रात्रि विश्राम किया था और वो तस्वीरें आ गई। पीएम ने मानागांव के पास जहां रात में विश्राम किया वहां की ये तस्वीरें। उसके पहले आपको बता दें, बद्री विशाल का उन्होंने दर्शन किया, उसके बाद से मानागांव पहुंचे, लोगों के बीच पहुंचे, वहां पर संबोधित भी किया। ना सिर्फ मानागांव के लोगों को, उत्तराखंड वासियों को, बल्कि देश के नाम उनका संदेश था। और चूंकि वहां से सटा हुआ चीन का सीमा भी है, तो बॉर्डर के उस तरफ भी उन्होंने साफ संदेश दिया, मैसेज दिया। तो दीपावली का खास मौका है और दीपावली पर अयोध्या सज धज कर पूरी तरह से तैयार है, खूबसूरत है। सबको भगवान श्री राम का इंतजार है। अयोध्या से आ रही बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि इस बार दीपोत्सव भव्य और अलौकिक होने वाला है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटी दीपावली पर अयोध्या में मौजूद होंगे, जहां वो रामलला के दर्शन और पूजन के बाद सरयू तट पर आरती में भी शामिल होंगे। इस बार अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में 15 लाख दिए जलाकर नया कीर्तिमान भी बनाया जाएगा। चार तस्वीरें, जगमग अयोध्या, लेजर लाइट्स, झांकी, दीपोत्सव की तैयारी। अयोध्या में छठे दीपोत्सव के मौके पर लोक संस्कृति के रंग हर तरफ दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो बुंदेलखंड का ये नृत्य हो या फिर अलग अलग प्रांतों का, अलग अलग क्षेत्रों का नृत्य। आज अयोध्या की धरती पर उत्तर प्रदेश का हर रंग दिखाई देता है। मौका भी है, छठा दीपोत्सव है, दीपों को जलना है, लेकिन उससे पहले सुबह से ही लोक संस्कृति के अलग अलग रंग उत्तर प्रदेश की इस पावन धरती पर दिखाई देते हैं, जहां लोक कलाकार अपनी संस्कृति की छटा को दिखा रहे हैं। जरूरी भी है, क्योंकि छठा दीपोत्सव है और पूरी अयोध्या आज राममय होती हुई नजर आती है, जिसको लेकर के लगातार अलग अलग प्रांतों की छटा आज अयोध्या में देखने को मिल रही है। एक तरफ आप देखेंगे कि बुंदेलखंड का नजारा है, तो वही राम की झांकी है, वो झांकी जो उनके बाल्यकाल को दिखाती है और इस बात को बताती है कि राम का अवतरण कैसे हुआ। तो वहीं आप देखेंगे सोनभद्र का ये आदिवासी नृत्य, न सिर्फ हर एक रंग आज अयोध्या में दिखाई दे रहा है, बल्कि राम का वर्णन हो, राम के जीवन काल का वर्णन हो, सब चीजें आज अयोध्या की इस पावन धरती पर दिखाई दे रही है। ढोल की थाप और पैरों में घुंघरू और पायल की झनकार से कहीं ना कहीं आज पूरी अयोध्या जो है वो इस पावन धरती पर नजर आ रही है। साफ है कि अयोध्या के छठे दीपोत्सव को लेकर के जिस तरीके की तैयारियां जोरों पर है, वो तैयारी आज पूरी हुई है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में लोक संस्कृति के रंगों के बीच में ये खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा, जिसमें न सिर्फ ढोल नगाड़े राम का वर्णन है, अपितु हर उस चीज की झलक आज अयोध्या में दिखाई देती है, जिसका इंतजार पूरा देश बेसब्री से कर रहा था। अयोध्या से कैमरामैन नीरज कुमार के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।